एवरीवन, दिस इज मी साफिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी मसले चल रहे हैं या परेशानियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो लव से कनेक्टेड हैं, वर्क से कनेक्टेड हैं, घर के मामला से कनेक्टेड हैं, फाइनेंस से कनेक्टेड हैं, और आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्या करना आपके लिए सही है राइट नाउ जिससे सिचुएशन बेहतर हो जाए, आपके हक़ में हो जाए, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में बेहतरी आ सके। अगर आप ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे सिर्फ। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो रिजॉल्व हो सकें, आसान हो सके आपके लिए, आपकी लाइफ टू हैव योर आइडियल लाइफ, ताकि आप अपनी आइडियल लाइफ जी सको। क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको गिवन सर्कमस्टांसिस में, लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला कार्ड है बिलीव का, स्ट्रेंज एनकाउंटर्स। पहली चीज़ जो है आपका अपना फेथ, अपनी डिज़ायर को लेकर, अपना यकीन, अपनी विश को लेकर, वो ख़त्म है। वो आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो, आपको ख़ुद पे यकीन नहीं है, आपको ख़ुद पे अपनी दुआओं पे यकीन नहीं है, आपको ये ट्रस्ट नहीं है प्रोसेस के ऊपर कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपको आपके गोल के पास लेकर जा सकता है। आपको मेजॉरिटी लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि चाह कुछ रहे हैं और कुछ और रहे हैं और आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ें चल रही हैं। सो इसलिए आपका फेथ जो है वो बिल्कुल ना होने जैसा है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद आप ही डिज़र्विंग नहीं हो, शायद आपकी लाइफ में कभी भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती। जैसे अक्सर कोई आप अच्छी रीड करते हो जिसमें कुछ पॉजिटिव आ जाता है, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि मेरे साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका अपना फेथ या आपका अपना वो एक जो एक बिलीफ है वो ही इतना वीक हो चुका है कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं है कि आप ये क्लेम कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं ख़ुद पे बिलीव रखना और उस पे उस बिलीव के साथ आगे बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। आप में से वो लोग जो बिलीव रखते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं कि जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो मिल जाएँ, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। अगर कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, कुछ ऐसी पर्सनल रीडिंग्स भी मैंने की हैं जिसमें मैं खुद शॉक हो जाती हूँ क्योंकि सिचुएशन इतनी बुरी होती है, सडनली कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं पर्सन की लाइफ में। लेकिन ऐसा होता है, इफ़ इट हैपन्स किसी ऐसे किसी और के साथ तो आपके साथ भी हो सकता है। सो ये बिलीव रखना और अपनी दुआओं पे यकीन रखते हुए सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुआ करते हैं लेकिन फियरफुल होते हैं कि होगी ये पूरी या नहीं होगी। सो आपकी पूरी होने का जो आपकी दुआ या आपकी जो भी विश है, डिज़ायर है, उसको मैनिफेस्ट करने का तरीका ही यही है कि जब आप दुआ मांगो तो इस यकीन से मांगो कि आपको मिल गई, और अगर मिल गई और इस यकीन के साथ आपने मांगी है कि वो मिल गई तो आपके लिए प्रोसेस से डील करना इजी होता है। फिर आप ये नहीं सोचते कि पता नहीं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है या वो हो रहा है, आप जस्ट गो विद द फ्लो करते हो, आप जस्ट सरेंडर करते हो, इन चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हक़ में बेहतर होने लग जाती हैं। सो वो एक मेजर रीज़न है। आप में से मेजॉरिटी लोग खुद ही बिलीव नहीं रखते हैं अपनी मांगी हुई दुआओं पर कि उनका पूरा हो पाना ईजी है या नहीं। दूसरा, आप में से काफ़ी सारे लोग आपकी सेल्फ वर्थ या सेल्फ वैल्यू जो है उसके ऊपर ही आपको खुद यकीन नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि आप उससे अपने आप को निकाल नहीं पाते हो और आप बिलीव नहीं कर पाते हो कि यू आर वर्दी ऑफ समथिंग गुड एज़ वेल। सो वो एक चीज़ है जो कि आपको रोकती है। और अगर आप अपने अंदर बिलीव ले आओ, पॉजिटिविटी ले आओ और सेंस ऑफ सिक्योरिटी ले आओ अपनी दुआ को लेकर, अपनी विश को लेकर, अपनी डिज़ायर को लेकर, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है, वी आर ऑल मैड हियर, एवरीवन इज़ अ लिटिल डिफरेंट। एक और चीज़ कि आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, उन सिचुएशंस की बात करें जहाँ पर आपका लोगों से डील करना होता है, चाहे वो लव लाइफ में है या अदरवाइज है, वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हर बंदा अपने हिसाब से एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, हर कोई डिफरेंट है। सो आपको किसी को चेंज ना तो आपको करने की ज़रूरत होनी चाहिए, ना ही किसी और को आपको चेंज करने की ज़रूरत होनी चाहिए। यू हैव टू बी योरसेल्फ, द अदर पर्सन हैज़ टू बी देमसेल्फ। आप उनको ऐसे एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, और अगर आपको नहीं पसंद है देन किक देम आउट ऑफ योर लाइफ। कहीं ना कहीं अगर आप किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं यू नीड टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर, चाहे वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, जैसे भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू लेट देम बी। आपने अगर उनको चेंज करना है
कि आप अपने माइंड में अपने अपने थॉट्स में उनका उनका बिहेवियर चेंज करो अपने साथ, एंड देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट जो वो चेंज आप चाहते हो, वो डिज़ायर आप जो आप डिज़ायर करते हो वो आप कर सकते हो. लेकिन आप अगर फिजिकली किसी इंसान को चेंज करना चाहते हो, सो अगर आप कोई एफर्ट किए बगैर कुछ चेंज करना चाहते हो एज एन मेंटल एफर्ट किए बगैर, तो कुछ पॉसिबल नहीं है. सो लेट देम बी द वे दे आर, और आप जैसे हो आप वैसे ही रहो. अगर आप या आपका पर्सन किसी भी तरह से एक्ट एज इफ करते हैं कि यू नो वो अच्छे हैं और आपके आपको आपको इनिशियली यू नो अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, या आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए इनिशियली चेंज करते हो, वो कनेक्शन लास्ट नहीं करते. सो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे पर्सन के साथ हो जहाँ पर आपकी आपकी और आपके पर्सन की जो है वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं बन रही है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन इज़ द वे दे आर. अगर आपको इतना अनॉइंग लगता है, इतना यू आर फेड अप ऑफ दैट सिचुएशन, यू हैव टू पुल अवे. अगर आपकी बनती नहीं है आपके वर्क प्लेस पर भी, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ टूवर्ड्स दैम. आप जब खुद चेंज करोगे अपने आप को उनके उनको लेकर, आपकी आपकी सिचुएशन विद दैम विल चेंज. सो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है. अगर आप वर्क प्लेस में इश्यूज से डील कर रहे हो, या अगर आप घर के मामलात में इश्यूज से डील कर रहे हो लोगों के साथ डीलिंग करते हुए, सो यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो जैसा है वो वैसा ही है, यू कैन नॉट चेंज दैम. आप अपना बिलीफ उसके बारे में जब चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपकी इक्वेशन उन लोगों से चेंज होना शुरू हो जाएगी. दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. और मेजॉरिटी लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते, और उनको आप यू नो उनको बोल कर चेंज करना चाहते हो, विच इज़ ऑलवेज गोइंग अगेंस्ट यू. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपके रास्ते का ब्लॉक बन रही है इन वन वे और द अदर. लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड. मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस. जो भी आपके करंट सर्कमस्टांसेस हैं, अगर आप सरेंडर करते हो, अगर आप लेट गो करते हो, अगर आप इंटेंड करके यू नो अपना पीस रख पाते हो फ्रॉम विदिन के यू नो जो भी है करंटली उसको उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको और रीजंस मिलते हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर. अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. व्हेन यू आर आस्क्ड टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस मींस कि हर वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिले, और हर वो चीज़ जो कि आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस रखो एज मच एज यू कैन. आपको क्या चीज़ खुश करती है, डोंट से कि पर्सन से बात करना या यू नो एक स्पेसिफिक चीज़ जो कि किसी और इंसान से कनेक्टेड है वो आपको खुश करती है. अपने ऊपर के ऊपर फोकस लेकर आओ, एंड व्हेन यू डू दैट मैनेज टू बी ग्लैड ऑन योर ओन, मैनेज टू बी हैप्पी ऑन योर ओन, फिर अपने माइंड में वो विजुअल्स बनाओ कि और क्या क्या चीज़ें आपको खुश रख सकती हैं. उसमें आपने खुद को एज अ टॉप लीड रखना है, आपने किसी और को स्पेसिफिकली जो है किसी को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखना. व्हेन यू डू दैट तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी आपकी मूवी का आपकी लाइफ की मूवी का जो हीरो है या हीरोइन है वो आप खुद बनोगे. एंड व्हेन यू आर दैट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी की इमेजिनेशन में, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी रियलिटी में भी. सो अगेन कोशिश करो कि आप वो चीज़ें करो जिससे आपको खुद को खुशी मिले, और वो चीज़ें किसी और से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, वो आपसे कनेक्टेड होनी चाहिए. आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली, आपके आपकी लाइफ में हर वो चीज़ जो आपको खुश रखती है, चाहे शॉपिंग है, बच्चों के साथ खेलना है, गोइंग आउट एंड अबाउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली है, जो भी चीज़ है जो आपको ज़्यादा एक्साइट करती है, खुश करती है, स्पेंड योर टाइम डूइंग दैट. वो जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आप जो जिन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो वो नहीं होगा, और आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी. आपकी ज़िंदगी में एक यू नो स्ट्रेस के ऊपर जो फोकस है वो ख़त्म हो जाएगा. सो डू दैट टू योर सेल्फ एज वेल. Let's take underneath the deck card. Law is not justice, rules that are not fair. आप ऐसे काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को कंप्लेन करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए. मैं वही सोचती हूँ ये तो वो सब चीज़ें हो गई जो आपको करना चाहिए, यू नो और जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यू नो आपके साथ जस्टिस नहीं होता, यू नो आपके साथ कभी कुछ फेयर नहीं होता. यू क्रिएट योर ओन रियलिटी. उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप खुद अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो by doing the right things, by bringing the change जो कि आपको लाने की ज़रूरत है अपने अंदर. जब आप अपने अंदर चेंज लाओगे, जब आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप ऐसे काफ़ी सारे लोग अक्सर मैं कमेंट्स जब पढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ कि आप दूसरे पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, तो कि उसकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ स्टक हो गई, कितने सालों से आप स्टक हो इस इंसान के साथ. किसी इंसान के पास इतना राइट नहीं है कि आपकी लाइफ स्टक करे अगर आप नहीं चाहते हो. आप खुद चूज़ कर रहे हो कि यू स्टे इन दैट सफरिंग एंड पेन, और फिर आप कंप्लेन करते हो कि पर्सन गिवन नहीं कर रहा इसलिए आपकी लाइफ स्टक है. नो, अगर आप चूज़ करते हो टू कट टाइज, टू कट एंड कट दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ और मूव ऑन करते हो, आपकी लाइफ में कोई ब्लॉक नहीं है. सो स्टॉप टेलिंग योर सेल्फ अ स्टोरी कि आपके आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है.
आप खुद जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप खुद अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, आप खुद किसी सिचुएशन में फंसना चाह रहे हो या फंसे हुए हो, सो फिर डोंट कंप्लेन, या तो कंप्लेन नहीं करो, या फिर अगर कंप्लेन कर रहे हो तो डू जो कि आपको उस कंप्लेनिंग वाली सिचुएशन से निकाल सके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप अपने साथ खुद गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपके साथ गलत हो रहा है. जैसे अगर हम काम के मामले में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस काम पे इसलिए नहीं होता या आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, या आपको वो जो आपका यू नो एक क्या बोलते हैं एक डिजर्विंग आपको पोजीशन नहीं मिल रही है और आप इतना काम करते हो एट वर्क फ्रंट, तो उसके लिए भी आपको यू नीड टू सेट बाउंड्रीज, यू नीड टू टेल द पर्सन कि आप क्या वर्दी हो और क्या नहीं हो. सो अगर आप कंप्लेन कर रहे हो और आप उसके बारे में कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो दैट कंप्लेन इज़ यूजलेस. या तो आप कंप्लेन नहीं करो, और अगर कंप्लेन करो तो फाइंड द सोल्यूशन टू दैट. सोल्यूशन जब आप नहीं ढूंढ रहे हो तो डोंट से कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ से निकलना मुश्किल है. देर इज़ नो सच थिंग कि आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, देर इज़ ऑलवेज अ वे आउट ऑफ थिंग्स. सो अगर आप सोचो, अंडरस्टैंड करो, माइंड को लगाओ और नेगेटिविटी से अपने आप को भगाओ, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.